शाम समय करीब 6:55 पर थाना छपरौली क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान ग्राम बाछोड़ रोड पर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में जवाबी पुलिस कार्रवाई के दौरान दो छात्र बदमाश एक सागर बालियान पुत्र शोकेंद्र निवासी दुल्हेंडा थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर हाल निवासी विशाल हॉल के पास गुराना रोड कस्बा और थाना बड़ोर जनपद बागपत सागर गोस्वामी पुत्र जसवी निवासी पट्टी भुवाला कस्बा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से अभियुक्त सागर बालियान और सागर गोस्वामी घायल हो गए हैं। कप्तान साहब, आज जनपद में कई मुठभेड़ हुई हैं, बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है, अभी जो मुठभेड़ हुई है कहाँ हुई है और क्या क्या बरामद की हुई है? जनपद बागपत में अभी थाना छपरौली क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई जिसमें थाना छपरौली और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। इसमें दो बदमाश घायल हैं जिनका नाम सागर बालियान और सागर गोस्वामी है। ये दोनों वही बदमाश हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा संजय खोखर की हत्या में शामिल थे और वांछित चल रहे थे। इनके दोनों साथियों को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन बाकी दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम जनपद स्तर पर था। यहाँ जब एसओजी टीम्स इनके पीछे लगी हुई थी तो यहाँ पर थाना छपरौली की पुलिस भी चेकिंग कर रही थी। इनको अंदेशा था कि अब जल्द से ही जल्द ये गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए ये जनपद छोड़कर भागना चाह रहे थे, परंतु ये पुलिस चेकिंग में फंस गए जहाँ पर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। रिटेलिएटरी फायर में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। मौके से दो मस्कट बंदूकें मिली हैं जिसमें से एक 12 बोर की और एक 315 बोर की है। एसओजी टीम पर भी हमला हुआ है? हाँ, इसमें एसओजी टीम के एक सिपाही के बुलेट प्रूफ जैकेट पर बदमाशों द्वारा फायर की गई एक बुलेट जैकेट लगी है और बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उसकी जान बच गई। कप्तान साहब, संजय खोखर की हत्या हुई थी, एक हत्या हुई थी और वारदात को लेकर के दो बार खुलासे हुए हैं, तो इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जो इस बार खुलासा हुआ है? देखिए, जो उस समय वादी ने तहरीर दी थी उसमें कुछ नामजद लोग थे और कुछ अज्ञात लोग थे। जो अभी 3 शूटर्स इसमें मिले हैं और जो कॉन्स्पिरेटर मिले हैं उससे ये बात क्लियर है कि हत्या इन 3 लोगों ने की थी, जो उसमें श्रवण खोखर, सागर बालियान और सागर गोस्वामी थे। बाकी सारे पहलुओं पर विवेचना के लिए एक SIT गठित कर दी गई है जिसमें CO बड़ौत हैं, इंस्पेक्टर छपरौली हैं और मेरठ के भी एक इंस्पेक्टर हैं। इस पूरी SIT की मॉनिटरिंग मैं स्वयं करूंगा और इसकी रिपोर्ट IG मेरठ को जाएगी। सर, जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन